ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवविवाहिता युवती की रहस्यमय परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली शक के घेरे में होने पर पुलिस थाना हमीरपुर आकर ग्रामीणों ने हो हल्ला किया और पुलिस थाने का लोगों ने घेराव किया। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले हमीरपुर के साथ लगते गांव बजूरी में 26 साल की युवती ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि युवती की सास व ससुर उसे प्रताड़ित करते थे। नवविवाहित युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस के कार्यप्रणाली शक के घेरे में होने पर पुलिस थाना हमीरपुर में लोगों ने आकर हो हल्ला किया और पुलिस थाना का लोगों ने घेराव किया। जानकारी के अनुसार 3 दिन पहले हमीरपुर के साथ लगते गांव बजूरी में 26 साल की युवती ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि युवती को सास ससुर प्रताड़ित करते थे और इस कारण युवती की मौत पर संशय बना हुआ है। लड़की के मायके वालों ने पुलिस थाना में आकर FIR दर्ज करवाने की मांग और अपना गुस्सा जमकर पुलिस पर निकाला। थाना में आई महिलाओं की पुलिस के साथ भी तीखी नोकझोंक हुई। आपको बता दें कि चंबो से युवती शिवानी की बजूरी गांव में दिसंबर माह में शादी हुई थी और मायके वालों ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए मांग की जाती थी और इसी के चलते लड़की ने इस तरह मौत को गले लगाया है। पुलिस थाना में आए हुए मायके वालों का कहना है कि पहले ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि लड़की को अटैक पड़ा है और बाद में बताया कि लड़की ने फंदा लगा लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लड़की ने फंदा क्यों लगाया है, इसका जवाब चाहिए। उन्होंने बताया कि लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। क्या है क्योंकि कल हम यहाँ पे 5 घंटे बैठे, हमारी FIR दर्ज नहीं की इन्होंने, SHO ने, ये हमारे को नहीं पता लगा। जिस साइलेंट अटैक पड़ा, जिस वक्त ये हॉस्पिटल हमारे को बुलाया गया तो इन्होंने बोला कि इस लड़की को साइलेंट अटैक पड़ा है। हमारे को यही जानकारी चाहिए कि इसको अगर अटैक पड़ा है या इसने जो फंदा लगाया, क्यों लगाया, खुशी का लगाया कि गमी का लगाया। इस की लड़की की शादी को सिर्फ 4 महीने हुए, तो 4 महीने में कोई ऐसी बात हुई जिससे लगता है आपको कि उसे तंग करती है वो दहेज के लिए? उस लड़की को हर मिनट बाद उस लड़की को टॉर्चर करती थी कि तू अपने घर से दहेज क्यों नहीं लेके आई, तेरे को खाना नहीं आता, तेरे को चलना नहीं आता, तेरे को पहनना नहीं है, तेरे को हर एक चीज का नॉलेज नहीं है, हमने तेरे साथ गलती की कि ना हमने गरीब घर की लड़की शादी की। मेरे को पसंद खत्म हुई है बेटी, इसकी बड़ी बहन मेरी बहू है, मेरे बेटे की बहू है, तो हमें तो कुछ बढ़िया संस्कार दिए, 5 साल चला है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे होती नहीं आजकल की लड़कियां जैसी वो है, तो वो मेरे पास हमारे पास आती थी, बहन के पास आती थी कभी, जैसे कुंवारी थी शादी करके, तो उन्होंने कहीं भेजा ही नहीं है ना उसे, तो वो मतलब इतने देखते थे हम तो, हर एक टैलेंट था उस लड़की में, कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है, और दूसरी बात कि सिलाई का करो, रसोई का करो, अपनी बहन के साथ इतना बढ़िया काम करवा रही है, पढ़ी लिखी थी, तो जैसे बहन के संस्कार है हमारे, 5 साल चला है, कोई भी बात नहीं है, जो बड़ी बहन है उसकी सगी बहन, और छोटी मेरे पास आती थी, तो हमें इसका ये है कि मतलब कोई भी उसमें ये नहीं था, तो हमें ये लगता है कि उसे जानबूझ के मारा है। बुधवार को तो हमारे घर से वो निकल के गई, उधर से आई थी वो वहां से, तो बोल के वीरवार को रहे कि शुक्रवार को फोन आ गया, 3 बजे की बात करते थे, साइलेंट अटैक पड़ा है और बीपी लो हुआ और खत्म हो गई। जब मेरी बहू ने वो उसके गले के निशान देखे तो जब बताया तो बोला कि वो 3 हिस्से चुन्नी नहीं है और 1 हिस्सा चुन्नी है, और वो गले में भी निशान देखे। जब टांडा तक पहुंचा के पोस्टमार्टम कराया तो उन्होंने भी बोला कि फांसी का केस है। तो उन्होंने मार्क की आए थे सर FIR दर्ज करने के लिए, उन्होंने आप 4 घंटे यहाँ 5 बैठे रहे, इन्होंने हमारी FIR दर्ज नहीं किया, हमें आता तरह की कहानियाँ सुनाई, कोई FIR दर्ज हमारे, हम रात के 1 बजे घर पहुंचे जाके, हमारी बेटी गई है तो क्या हम घर घर जाके घूमे, ऐसे ही हमारी कोई वैल्यू नहीं, बेटी की कोई वैल्यू नहीं है आज। बेटी ने क्या लगता है कैसी हुई उसकी? हमारी बेटी BSc MSc थी, वो फंदा नहीं लगा सकती थी, हमारे पास वो छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ है, हमें पता है कि वो बच्चा कैसा था, उसने क्यों फंदा लगाया, लगा सकता है किसी को अपनी जान प्यारी, कौन लगा सकता है फंदा, बताओ लगा सकता है कोई? अभी आए सर, अभी कह गया 4 दिन हो गए हमें, पिछले दिन हम 5 घंटा यहाँ रहे, रात के 12 बजे यहाँ से गए, तो बोला हमने नहीं करनी है, अभी आप ये बताओ, सास उसको प्रताड़ित करती थी कि आपको खाना नहीं आता है, आप गरीब घर की लड़की है, हमने शादी नहीं करनी थी गरीब घर से, जब उसका रिश्ता हो तो हमने बताया नहीं था कि ये गरीब है,
अगर उसको दहेज चाहिए था उसके माँ बाप गरीब थे तो हम अच्छे थे गांव वाले, हम देते, हम आगे तक जाएंगे, हम ऊपर तक जाएंगे सर। अभी तो हम थोड़े आए हैं, पूरा गांव आएगा, पूरा गांव आएगा और बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम डीसी ऑफिस जा रहे हैं अभी। वहीं एसएचओ हमीरपुर संजीव गौतम ने बताया कि युवती शिवानी की 3 मई को मौत हुई थी और इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि आज मायके के पक्ष वालों ने पुलिस थाना में आकर मौत को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है, जिस पर पुलिस गहनता से पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल पुलिस ने धारा 306 के तहत मामला दर्ज कर छानबीन जारी कर दी है। शिवानी नाम की एक लड़की जिसकी दिसंबर माह में पिछले साल शादी हुई थी, ये चंबोह में इसके मायके हैं और यहाँ बजूरी गांव में इसकी शादी हुई थी। तो इसकी जो है वो 3 तारीख को इसकी डेथ हो गई थी और हमें अस्पताल से सूचना मिली थी कि एक लड़की को ब्रॉड डेड कंडीशन में लाया गया है। सूचना पर मेरे आईओ मौके पर गए थे तो वहाँ पर लड़की के गले पर जो था वो निशान पाया गया था, हैंगिंग का निशान पाया गया था। सूचना पर मैं खुद मौके पर गया था, वहाँ पर जो भी साक्ष्य थे वो हमने एकत्रित किए थे। प्रथम दृष्टया जांच के दौरान ये पाया गया था कि इसने आत्महत्या की है। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन प्रिलिमिनरी डिस्कशन में यही पाया गया है कि इसने आत्महत्या की है। इसके मायके वालों ने आज एक शिकायत हमें दी है कि इसके ससुराल पक्ष जो था इसने ये इसको तंग करते थे और जिसके कारण इसने आत्महत्या की है, इसलिए 306 आईपीसी में इसके खिलाफ उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और इससे पहले इसमें एक 174 सीआरपीसी की कार्रवाई की जा रही थी जो अभी हम 306 में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके मृत्यु के कारणों की जांच जो है वो अन्वेषण के रूप में अभी की जाएगी। 5 घंटे बैठने के बाद बोले कार्रवाई नहीं हुई, कोई 3-4 दिन पहले हम बैठे थे यहाँ पे। ये सत्य नहीं है, बिकॉज ये लोग हमारे पास आए थे और हमने इनको पूरे तथ्य जो थे वो क्लियर किए थे और इन्होंने एग्री किया था कि जो इसकी जाँच है वो 174 में कंटिन्यू की जाए। बट मैंने इनको यही कहा था कि आप जो हैं इस विषय में आपसी मंथन करें, आप देखें कि आपको क्या लगता है, अगर आप जैसे भी सरकमस्टांसिस हैं, बिकॉज ऐसी परिस्थिति में उसके मायके अथवा ससुराल पक्ष को ही जानकारी होती है तथ्यों की, क्योंकि कोई पुलिस के पास ऐसा कोई पहले कोई शिकायत नहीं थी जिसके आधार पर हम ये इंटरप्रेट कर सकें कि उसके साथ पहले कोई मारपीट होती थी। आज इन्होंने शिकायत दी है, जैसे ही इन्होंने शिकायत दी है हमने मुकदमा दर्ज कर दिया है।